भी चौराहे खड़े कर उसको गोली मार दी, उसका गला काट देना चाहिए। हमारी ये बिल्कुल गला काट देना चाहिए, गला काट देना चाहिए, बिल्कुल गला काट देना चाहिए। जैसे कुछ ऐसा 72 रुपयों का ख्वाब दिखाकर ऐसे नौजवानों को भड़काने का काम करते हैं, जिस प्रकार जिससे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मौलाओं और मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, इस समय आज प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने उदयपुर कांड पर गुस्सा जाहिर किया। और आपको बता दें, पुतला भी फूंका गया है और पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद भी है। आपको बता दें, यहाँ पे बड़े पैमाने पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। हम आप जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज जो विरोध किया गया है, इनकी क्या मांगे हैं और सरकार से ये क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जगन हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार और पुलिस प्रशासन पे लगातार सवाल खड़े उठते रहे हैं। ऐसे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बड़े पैमाने पे, भारी पैमाने पे पूरे देश भर में, प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में लगातार विरोध जारी है। प्रतापगढ़ में भी जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया गया है। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगे। जी भैया, आज क्यों विरोध प्रदर्शन हुआ? आज जैसे उदयपुर में आपने देखा होगा कि कन्हैया लाल जी को उनकी दुकान में घुस करके दो जेहादियों ने गला काट करके हत्या कर दी। जिस प्रकार से हम लोग अभी तक ISIS मॉड्यूल देखते थे इराक और सीरिया में, तो क्या वो भारत में भी आ चुका है? ऐसा हम मानते हैं। उससे पहले भी 2-3 हत्याएं हुई थी, जैसे आप लोग समझते होंगे कि लखनऊ में कमलेश तिवारी जी की भी हत्या हुई थी गला रेत करके, उसके बाद इनकी भी हत्या हुई थी। मेरी ये कहना है कि अगर आपके किताब में किसी ने सवाल उठाया है, तो आप अपनी किताब को जस्टिफाई करिए ना। आप अपने किताब को बताइए कि हमारे किताब में ऐसा नहीं लिखा है। और जिस प्रकार से पिछले 15 दिन से पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है और एक नारा लग रहा है कि गुलामे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, भाई हम इस देश में बहुसंख्यक हैं, हम 80% हैं। ऐसा तस्लीम रहमानी भी उस डिबेट में हमारे शिवलिंग के ऊपर आरोप लगाया था, लेकिन ऐसा हिंदू समाज ने नहीं कहा। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को इस समय खतरा है, एक तरीके से खतरा है, और पूरी तरह से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है इसमें सरकारें भी विफल हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस तरीके से भी कोई इस तरीके से मामले नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में वहां पे कई दंगे भी हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई देखिए, सरकार की विफलता सरासर है। जब उन्होंने बताया था कि हमारी जान को खतरा है, तो पहले आप आरोपी को धर दबोचते, तो आज ऐसी घटना ना होती। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, इसमें और कठोर कानून बनाने की आज आवश्यकता है, जो कि संविधान में भी ये है कि संशोधन समय समय पर होता आया है। तो आज न्याय व्यवस्था में भी संशोधन की सख्त आवश्यकता है, और ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। उसमें फास्ट कोर्ट है, जो हमारे भारत की न्यायिक व्यवस्था है, जो कि भारत संविधान से चलता है, तो उस न्यायिक व्यवस्था में ही ऐसी त्वरित न्याय की अगर व्यवस्था कर दी जाए, तो ऐसी घटना भविष्य में हमारे देश में ना हो। क्या लग रहा है भैया, आप बताइए, यूपी में कुछ लोग कह रहे हैं अगर योगी सरकार होती है तो वहाँ भी इस तरीके से कांड ना होते। जी एकदम सही कह रहे हैं, योगी बाबा तुरंत एक्शन लेते हैं। वहाँ कांग्रेस की कहीं ना कहीं नाकामी है, जो ऐसा हुआ है, सरकार की विफलता है। जी क्या आप भी हैं, क्या कहेंगे भैया इस पूरे मामले में? कांग्रेस की सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है। जिस तरीके से यह जघन्य अपराध हुआ, ऐसे हत्यारे को इस तरीके से सजा दी जाए कि एक नजीर पेश हो, दोबारा भारत देश में ऐसी कोई दोबारा घटना न घटे। हो सकता है कि वहाँ की सरकार मिली जुली हो, लेकिन ये है कि कार्रवाई जो है इस पे और कठोरता होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोबारा ऐसी घटना ना घटे, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार से यही मांग है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा। उसमें पाकिस्तान के भी लिंक आ रहे होंगे, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर पूरा जाल पाकिस्तान के आतंकवादियों का फैला हुआ है। आए गए दिन तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी इस प्रकार से किया कहा गया है। ऐसे लोगों को सजाए मौत की सजा सुनानी चाहिए, और जिससे हिंदू जनमानस के अंदर सरकार के प्रति, भारत सरकार के प्रति विश्वास। तो ये लगातार फांसी की मांग हो रही है, आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पे लोग हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या मांग है, क्या लग रहा है कि इसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो? ऐसी तालिबानी सोच के लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे पहले तो मदरसों और मौलानों पर जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। ये लोग 72 रुपयों का ख्वाब दिखाकर ऐसे नौजवानों को भड़काने का काम करते हैं, जिस प्रकार
जिससे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मौलाओं और मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। मदरसों पर जी जी बिल्कुल। ये भी आ रहा है कि जो अभी हाल ही में जहां भी चाहे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो रैलियां हुई, सरतन से जुदा के जो नारे लगे, उससे भी काफी प्रभावित हुआ था। जी बिल्कुल, जो है ये इस प्रकार के नारे जो है ये मदरसों से और मौलाओं से जो है आगे बढ़ते हैं जो है, और उनको 72 हुरों का खौफ दिखाकर इस प्रकार की घटनाएं करवाने के लिए जो है उकसाया जाता है। मदरसों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, मदरसों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। इनको जो है विज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए, अंग्रेजी की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इस प्रकार की तालिबानी सोच की शिक्षा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान से लिंक आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान और जितने भी जो है ये हम लोग ये इसमें नूपुर शर्मा के समर्थन में उस बच्चे ने पोस्ट डाली थी। मैं और मेरा पूरा संगठन नूपुर शर्मा का समर्थन करता है, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। और मैं चाहता हूँ कि हम रहे या न रहे, हम लोगों की सोच आगे बढ़नी चाहिए जो है हमारे रहने हमें ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे आगे, लेकिन हमारी ये सोच ये आगे बढ़नी चाहिए बस। इससे नूपुर शर्मा ने माफी भी मांग ली थी उस मामले में। नूपुर शर्मा ने ऐसा कुछ गलत कहा ही नहीं था कि उनको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अगर दबाव बनाया गया, उन्होंने माफी मांग ली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई थी। तो आप लोगों ने पुतला किसका फूंका है? हम लोगों ने आतंकवाद का, ये जो जिहादी मानसिकता से आगे बढ़कर जो है इन लोगों ने ऐसा काम किया। बताइए, एक बेचारे गरीब व्यक्ति की यहाँ कपड़ा सिलवाने के लिए गए और बहाना बनाकर जो है ये, हम तो कहते हैं कि हिंदू समाज अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करे। हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए जो है खुद तैयार होना चाहिए, ना कि सरकार ना किसी के भरोसे, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और जहाँ पे ऐसा देखे जो है उस पर जो है अपना खुद जो है खुद ढाल बने जो है, किसी के भरोसे बिल्कुल ना रहे। क्या लग रहा है कांग्रेस में भी उससे पहले भी वहाँ पे हिंसा हुई थी, दंगा हुई थी? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार में ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को जो है बढ़ावा दिया जाता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कांग्रेस की सरकार में ऐसे लोग, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पे देख लीजिए स्थिति अलग है। बुलडोजर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल चलना चाहिए। कुछ लोग चाहे सवाल खड़े करते हैं, कुछ लोग खड़े करते हैं भाई, उनका वो सवाल खड़े करने के लिए पैदा ही हुए हैं, उनको और कोई काम तो है नहीं। बुलडोजर चलना चाहिए भैया, क्या कहेंगे भाई साहब? बुलडोजर चलना चाहिए भाई, क्या अगर बुलडोजर ना चलाए तो उनकी आरती उतारे? आप बताइए, ऐसे लोग जो बम लगा के उड़ा दे रहे हैं, अवैध कब्जा किए हैं। और मैं एक और मांग करना चाहता हूँ, जब किसी की डेथ होती है तो उसका दफन कब्रिस्तान में होता है, वो सरकते सरकते सड़क पर कैसे आ जाता है? और जगह जगह मजारे क्यों बनती चली जा रही है? आप रेलवे स्टेशन देखिए, बस अड्डा देखिए, क्या वहाँ वो दफनाया गया था? नहीं ना, तो ऐसी जगह बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, तो कहाँ चलना चाहिए? अब दफन हुआ कहाँ? कब्रिस्तान में। अब वो सरकते सरकते मुर्दा भी दौड़ने लगे क्या भाई? मेरा ये सवाल है, मुर्दा भी दौड़ने लगे भारत देश में और कहीं नहीं? अच्छा, इसकी कई तमाम मुस्लिम संगठनों के लोगों ने भी निंदा की है, तो उस पे क्या कहेंगे? वो ठीक है, वो लोग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और उनकी यही स्थिति में है, वो निंदा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया कि हम लोग बहुसंख्यक है इस देश में, 80% हिंदू समाज है, अगर हम लोग संकल्प ले लें तो रह सकते हैं क्या? नहीं ना, तो हम लोग लेकिन न्याय की व्यवस्था का पालन करते हैं, हम लोग प्रजातंत्र को मानते हैं। अभी जितने संख्या इस देश में हिंदुओं की है परसेंटेज में, अगर फांसी की मांग नहीं होगी तो अब आगे विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा? फांसी की मांग विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगा और क्या, पूरे प्रदेश भर में इस तरीके, आज पूरे देश में है, एक साथ तहसील स्तर तक है। अभी हम लोग जा रहे हैं रानीगंज में, अभी पट्टी में भी था, कल बाबूगंज में भी था, अभी ये प्रतापगढ़ मुख्यालय हुआ, अभी रानीगंज में भी होगा, कुंडा में भी है, लालगंज में भी है, सारे तहसीलों में तहसील स्तर, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी हो, आप भी मांग 100% फांसी हो, भी चौराहे खड़े कर उसको गोली मार दी, उसका गला काट देना चाहिए। हमारी ये बिल्कुल गला काट देना चाहिए, बिल्कुल गला काट देना चाहिए। जैसे कुछ ऐसा परिजन बिल्कुल मांग कर रहे हैं, हम कहते हैं जो धूर्तबाज करके कि हम कपड़ा सिलाने आए हैं और जाके उनका धोखे से गला काट दिया, ये कौम ही ऐसी है कि बहन बेटी दे के आपका गला काट लेगी? हम कहते हैं इनके साथ सरकार से सुरक्षा मांगिए, आप स्वयं तैयार रहिए, अगर ये एक पत्थर मारे इनके ऊपर 4 पत्थर मारिए तब ये सही होंगे, नहीं सही नहीं होंगे। रही बात ये तालिबान या जो भी ये यहाँ लागू करना चाहेंगे, लागू नहीं, हिंदुस्तान है और कुछ गलतियां
पूर्व प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी कर दी, जो धर्म निरपेक्ष जाके लाके लागू कर दिया, सबसे बड़ी सर्कुलर लाया, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। गहलोत सरकार के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। गहलोत और निकम्मा है, बेहूदी है, उसी की देन है जो आज ये हत्या हुई है। अशोक गहलोत सीएम साहब की ही बेकूफता की वजह से ये हत्या हुई है। पूर्णता वो विफल है, कांग्रेस सरकार जिस जिस राज्य में है पूर्णता विफल है, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो विफल ना होते तो ऐसा होता ही ना भाई। कांग्रेस सरकार की पुलिस प्रशासन जी जी प्रशासन और सरकार की गलती इसमें, जो कन्हैया की हत्या हुई। उसे आप मानते हैं कि गलत फांसी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए नहीं, हम तो कहते हैं बीच चौराहे पर गला काट देना चाहिए, हमारी ये बीच सिंधु परिषद की मांग है। पाकिस्तान सभी लिंक तो पाकिस्तान तो बढ़ावा दे ही रहा, हर देश में कहीं ना कहीं अपना घुसपैठ पैदा कर रहा है। अगर यही काम लोगों ने मदरसों को भी सवाल करे कि यहाँ यहीं से ये सारी शिक्षा दी जाती है? बिल्कुल वहीं शिक्षा दी जाती है, वहीं जो मौलवी होते हैं उनके पढ़ाने वाले टीचर वो यही पढ़ाते हैं। अगर अभी सारी मस्जिद की जांच कर ली जाए, कहीं ना कहीं इतने हथियार निकले, पूछे कहीं जगह निकले भी, आप प्रमाणित है, आपको पेपर में आया भी है, तो इस तरह है वहाँ पढ़ाई नहीं। हम कहते हैं आप पढ़ा रहे हो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत ज्ञान दीजिए ना, आप बताते हैं बच्चों के काफिर हैं, हिंदू काफिर बताते हो, इसी चीज का ये गलत प्रभाव जाएगा जी। बिल्कुल प्रभाव जा ही रहा है। तो ये आपने देखा विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बड़े पैमाने विरोध प्रदर्शन किया, भगवा चुंगी पे आपको बता दें पुतला भी दहन किया गया है, और खास करके यहाँ पे इस तरीके की मांग की गई है कि फांसी हो, अगर फांसी नहीं होती है तो ये आगे भी विरोध प्रदर्शन होगा। आपको बता दें आज राजस्थान में भी बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन जताया गया है, राजस्थान के साथ साथ देश भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध जताया है। अब आप अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव दें, जो कार्रवाई सरकार कर रही है, क्या गहलोत सरकार की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं, या फिर तत्काल फास्ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा होनी चाहिए, या फिर क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज लाइव प्रतापगढ़ को। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।